जैसा कि हम सबको पता है कि जिस कहानी में ये हीरोइन होती है वो काफी इंटरेस्टिंग होती है, लेकिन ये कहानी इंटरेस्टिंग फनी होने के साथ साथ इतनी ज्यादा इमोशनल थी कि ट्रस्ट मी गाइस, मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये कहानी कुछ यूं टर्न आउट होने वाली है। चलिए अब कहानी की शुरुआत कर भी देते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग ज्ञान की शादी होते हुए देखते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि उसका प्रेमी फूजी उसे किसी और के साथ शादी कराते हुए वहाँ से जा रहा है और जाते जाते वो ब्लड की वो मेटिंग करने लग रहा है। ज्ञान सोचती है कि अगर फूजी अब भी पीछे मुड़ गया तो वह इसे छोड़ करके फूजी से शादी करने के लिए तैयार है। आखिरकार सीन यहाँ तक कैसे पहुँचा जानने के लिए हम लोग कहानी के फ्लैशबैक में 100 डेज बिफोर चलते हैं। ये ड्रामा का नाम है 100 डेज बिफोर माय कन्फेशन ऑफ लव टू यू। तो 100 डेज से शुरुआत करते हैं जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं फूजी को, वो एक्चुअल में एक मस्त मस्त वाला डॉक्टर है और उससे मिलने के लिए यहाँ पर उसके फैन सब आए, फैन बोले तो उसके पेशेंट की फैमिली जिसको कि उसने कुछ दिनों पहले ट्रीट किया था। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता है, इसीलिए प्रेजेंट को अच्छे से जी लो, कल क्या होने वाला है किसी को कुछ नहीं पता। यहाँ पर फूजी जितना खुश था कि उसने डॉक्टर के तौर पर अपना करियर चालू किया है, वो काफ़ी धीरे धीरे फेमस हो ही रहा है कि यहाँ पर उसके पेशेंट के फैमिली आए थे उसकी बुराई करते हुए कि उसने उसके डैड को बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया और कुछ पैसे वैसे देने के लिए आए हुए थे। लेकिन यहाँ पर गिफ्ट लेने से पहले ही बेचारे हमारे फूजी भाई साहब अचानक से बेहोश हो जाते हैं। दूसरों को ट्रीट करते करते उन्हें खुद ही ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ जाती है। झटका तो कुछ यूं लगता है कि फूजी को पता चलता है कि उसे लास्ट स्टेज का लंग कैंसर है। सिर्फ 5% के चांसेस हैं ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के। फूजी ऑपरेशन लेने से मना कर देता है क्योंकि एक तो वो ये रिस्क नहीं लेना चाह रहा था, उसकी फैमिली के पास बहुत एक्सेस पैसे नहीं थे, उसने तुरंत ही अभी यहाँ पर डॉक्टर का अपना ये जॉब ज्वाइन किया हुआ था, और दूसरा यहाँ पर उसे सोच रहा था कि वो अपने 100 डेज शांति से जी ले। फूजी अपने डॉक्टर फ्रेंड गो को कहता है कि तुम मुझे बताओ कि 100 डेज तो अप्रॉक्स है ना, तो वो कहता है हाँ तुम्हारे पास सिर्फ 100 डेज है। फूजी खुद एक डॉक्टर था, वो जानता था कि उसके बचने के चांसेस बहुत कम है, इसीलिए उसने डिसीजन लिया हुआ था। इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा सैड था और उस रात जाकर के रोड साइड ऐसे बैठ करके ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वहाँ पर उसके ज़िंदगी में आती है ज़ियान, जो कि फिलहाल उसके लिए पूरी तरीके से स्ट्रेंजर थी। वो भी बहुत ही ज़्यादा ड्रंक थी और आकर के फूजी के बगल में बैठ जाती है और उसी के बोतल में से ड्रिंक करने लगती है। फूजी ये देख करके शौक था कि ये कौन गर्ल है, शायद वो भी उसी की तरह ड्रंक है। वो यहाँ पर फूजी के शोल्डर पर सर रख करके सोने के बहाने उसके ऊपर वोमिटिंग कर देती है। फूजी बेचारा अच्छा बच्चा था तो वह जियान को उठा करके वहाँ से होटल लेकर के जाता है, क्योंकि वह जानता नहीं था जियान को। वो होटल के वॉशरूम में अपनी शर्ट को वॉश कर रहा था, वो उसका फेवरेट टी शर्ट था और वह जियान पर गुस्सा कर रहा था कि ये गधी कैसी है। वो वॉशरूम में था ही तभी वहाँ पर जियान वॉशरूम यूज़ करने के लिए आ जाती है। वो अपनी आंखों को बंद कर लेता, सोचता है कि किस बच्चे में पड़ गया वो, बट पता नहीं था जियान की वजह से आगे आने वाले 100 डेज उसके पूरे तरीके से डिफरेंट होने वाले हैं, जो कि वो ऐसा लाइफ आज तक कभी जिया ही नहीं होगा। जियान ऐसे मस्त घोड़े बेच करके सो रही होती है। फूजी को लगता है कि कहीं वो कल आ करके उसके हॉस्पिटल में ड्रामा ना करने लगे, इसी वजह से इस बात के प्रूफ के लिए वो यहाँ पर उसको वीडियो बना लेता है कि इस तरीके से वो ये ना बोले कि उसने उसका फ़ायदा उठाया है, और फिर वीडियो वगैरह बनाने के बाद वो वहाँ से चले जाता है। हालांकि फर्स्ट लुक में ही उसे जियान काफ़ी प्रिटी लगी थी। नेक्स्ट डे जब फूजी अपने सारे और डॉक्टर्स के साथ डीन के साथ बैठ करके मीटिंग कर रहा होता है, तभी वहाँ पर जियान आ जाती है। वो लोग उसे पूछते हैं कि वह किसे ढूंढने के लिए आई है, तो वहाँ उसका जो कार्ड गलती से फूजी का उसके कमरे में गिर गया था, वो उस नंबर पर कॉल करती है और कॉल लगता है फूजी का। फूजी तो उसे देखते ही पहचान जाता है कि कल वाली लड़की है। फूजी को वो कहती है चलो मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना है। फूजी कह रहा था कि वो मीटिंग में है, वह नहीं जा सकता है, तो जियान उसके डीन के कान में जाकर के कुछ कहती है और वो डीन उसे फूजी को कहते हैं जाओ जाओ, आई थिंक ये इंपॉर्टेंट मैटर है और तुम्हें वहाँ से जाना चाहिए फिलहाल के लिए। फूजी समझ नहीं पा रहा था कि जियान ने आखिरकार उस डीन को बोला क्या है, जो कि वह तुरंत ही उसे से जाने के लिए बोल रहे हैं। जियान यहाँ पर फूजी को लेकर के जा रही थी तो पूछता है, तो वो कहती है मैंने कहा मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और मुझे अबॉर्शन कराना है। फूजी सोचता है ये कैसी ड्रामाबाज गर्ल है। वो फूजी को बगल कमरे में ले जा करके धमकी आ रही थी कि अबे ओ तूने कल मेरे साथ क्या किया, सच सच बता दे। फूजी कहता है मेरे इतने बुरे दिन भी नहीं आ गए हैं, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है। जियान कहती है तुमने मेरा कल फ़ायदा उठाया क्योंकि मैं बहुत ही ड्रंक थी,
इस बात को प्रूफ करने के लिए कि फौजी ने कुछ भी नहीं किया, वो वीडियो यहाँ पर जियान को दिखाता है और कहता है कि देखो मैंने कहा ना कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरे बात का भरोसा करो। वीडियो देख करके जियान समझ जाती है कि फौजी ने एक्चुअल में कुछ भी नहीं किया है और फिर वो यहाँ पर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। वो पूछता है अब क्या हुआ, रो क्यों रही हो? जियान कहती है कि कल मेरा ब्रेकअप हुआ था और मैं रो भी नहीं पाई, मेरे पास कोई दोस्त भी नहीं है। फौजी उसे समझाता है यहाँ रोने से तुम्हारा एक्स वापस तो नहीं आ जाएगा ना। जियान काफ़ी देर रोने के बाद, आधे घंटे रोने के बाद शांत होती है और कहती है अब अच्छा लग रहा है। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। फौजी बेचारा चैन का सांस लेता है, उसकी ज़िंदगी तो पूरी इधर से उधर हो रही थी। लेकिन जो भी हो, जियान उसे बहुत ही क्यूट लगी थी। तभी वहाँ पर उसकी मोम का कॉल आता है, उसे कहती है तुम 6 महीने से किसी गर्ल को डेट कर रहे थे ना, तुमने बताया था, अब तुम यहाँ पर क्यों नहीं उसे हमसे मिलने के लिए लेकर के आते हो? फौजी यहाँ पर सोच रहा होता है कि उसके लाइफ में तो कोई गर्ल है नहीं, वो किसे अपने मोमडर से मिलने के लिए लेके जाए। तभी उसे याद आता है जियान का और जियान यहाँ पर उसे वो अपनी फेक गर्लफ्रेंड बनने के लिए कॉल करता है। हालांकि शुरुआत में वो इस बात के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन एक्चुअल में वो आने वाले है नहीं इस बात का गारंटी कोई फौजी के पास था नहीं, क्योंकि वो बहुत ही मूडी है। और होता भी वही है जिस बात का डर था। फौजी यहाँ पर काफ़ी देर तक जियान के आने का वेट कर रहा था। उसके मम डैड भी सोच रहे थे कि फौजी ने कहीं झूठ तो नहीं बोला, ऐसा तो नहीं ना कि उसकी लाइफ में कोई गर्ल नहीं है और वो हमारा उल्लू काट रहा है, यही सब कुछ वो लोग सोच रहे होते हैं। तभी काफ़ी देर बाद यहाँ पर फाइनली जियान आ जाती है। वो तो पहले ही यहाँ पर काफ़ी ड्रंक कंडीशन में आई हुई थी। उसके फैमिली वाले सोच रहे होते हैं कि ये लड़की थोड़ी अजीब है, पर फिर वो लोग सोचते हैं कि नहीं, जैसे चाइना में वहाँ पर ड्रिंकिंग का ये है कल्चर है, तो मे भी वो पार्टी वर्टी से लौटी होगी। जियान यहाँ पर फौजी से कुछ ज़्यादा कोजी कोजी दिखा रही थी उसकी फैमिली को, वो दोनों एक्चुअल में एक कपल है। फौजी यहाँ पर उसे पानी पीने के लिए देता है, लेकिन गलती से वो अल्कोहल था और जियान उसे पी लेती है। फिर उसे वॉशरूम जाना था, जैसे वो उठ करके वॉशरूम जाती है वहीं पर गिर कर टर्न हो जाती है। उसकी फैमिली जियान की उस पोस्ट मीटिंग से कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेस हो जाते हैं। फौजी यहाँ पे जियान को अपने कमरे में लेकर के जाता है ताकि वो आराम से थोड़ी देर सो सके। उसकी मॉम कह रही थी कि ये लड़की थोड़ी अजीब है, मुझे नहीं लगता है कि ये तुम्हारे लाइफस्टाइल को सूट करती है, तो बेहतर होगा कि तुम इससे बातों को आगे ना बढ़ाओ। फौजी भी तो यही चाह रहा था, वो अपनी मॉम को कहता हाँ मॉम मैंने भी तो आपको कहा था ना मुझे ये सारी बातें में इंटरेस्ट नहीं है, देखा मैंने डेट किया फिर भी काम नहीं किया। फिर वो अपने फ्रेंड से मिलने के लिए चले जाता है। जब वो वहाँ पर जाता है तो वो अपने फ्रेंड को जैसे ही बताता है कि एक्चुअल में उसके पास सिर्फ 100 डेज हैं, तो वो ये बातें सुन करके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और कहने लगता है कि इतना इम्पोर्टेंट बात तो मुझे इतना लेट बता रहे हो, 10-12 सालों से हम फ्रेंड हैं, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हुआ करते हैं और फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया। इस बात को लेकर के दोनों के बीच थोड़ी सी लड़ाई झगड़े भी होने लगते हैं। वो जो उसे कहता है कि देख यार मैं अपना लाइफ ऐसे पर अकेले जीना चाहता हूँ, बताने पर लोग बेकार में सिंपैथी दिखाते हैं और वो सिंपैथी मुझे अब नहीं चाहिए। उसका फ्रेंड उसका सिचुएशन समझने का कोशिश करता है और उसे कह रहा है कि ठीक है उसे सिंपैथी नहीं दिखाएगा, बट वो ऑपरेट क्यों नहीं करा रहा? फौजी उसे कहता है क्योंकि केवल 5% चांसेस है और मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं खुद जानता हूँ ये ऑपरेशन कितने सक्सेसफुल होते हैं। नेक्स्ट डे फौजी अब अपने मॉम डैड को छोड़ करके अगले 76 डेज अकेले जीना चाहता था, इसी वजह से वो अपार्टमेंट लेने के लिए जाता है। तभी वो वहाँ पर वापस से जियान से टकराता है, दोनों एक ही शॉप पर थे। जियान को कह रहा था कि कहीं मुझे फॉलो तो नहीं कर रही है। जियान कहती ओ कम ऑन मेरे इतने में बड़े दिन नहीं आए, मैं भी यहाँ पर अपार्टमेंट ही देखने के लिए आया हुआ हूँ। ये जो ब्रोकर था वो उन दोनों को कपल समझ करके अपार्टमेंट दिखा रहा होता है। वो जी यहाँ पर क्लियर करता है कि हम दोनों कपल नहीं हैं। तो वो ब्रोकर कहता है एक्चुअल में यहाँ पर रूम्स केवल कपल के लिए ही अवेलेबल है और वो भी एक ही रूम बाकी है, यहाँ पर 2 अलग अपार्टमेंट आपको नहीं मिल सकती, ये बहुत ही ईजी बिजी एरिया है और अपार्टमेंट मिलना थोड़ा मुश्किल है। इन दोनों का बजट भी बहुत ज़्यादा नहीं था, इसी वजह से ये दोनों डिसाइड करते हैं रूम शेयर करने का। सोचो ये 2 अलग बिल्कुल अलग पर्सनैलिटी जो कि एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं साथ रह रहे हैं। कहानी काफ़ी फनी यहाँ से होने वाली है। वैसे भी कहते हैं ना अपोजिट अट्रैक्ट्स, तो यहाँ पर कुछ यही होता है। ये दोनों यहाँ से शुरुआत से ही लड़ना स्टार्ट कर देते हैं किसे कौन सा फेवरेट रूम चाहिए, इसी बात से इनके बीच नोक झोंक स्टार्ट होता है। हालांकि फौजी बेचारा एडजस्टिंग बंदा था, तो वो यहाँ पर जियान की बातों के बाद भी काफ़ी चीज़ों का एडजस्ट कर रहा होता है। आज उनकी फर्स्ट नाइट होने वाली थी, वो जो वॉशरूम यूज़ करने के लिए जाता है तो वहाँ पर जियान भी आ जाती है। उसे बिल्कुल एक लड़के की तरह नहीं बल्कि एक बेस्ट बडी की तरह ट्रीट कर रही थी। दोनों रात में बैठ करके साथ में गेम खेल रहे होते हैं। फौजी को तो लगा था कि जियान एक गर्ल है तो उसे गेम खेलना नहीं आएगा, लेकिन जियान ने काफ़ी अच्छा गेम खेला था। दोनों अलग अलग कमरों में थे लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही थी। रात में यहाँ पर जियान को नींद में चलने की बीमारी थी। फौजी जब वॉशरूम उठ करके जाता है तो यहाँ पर जियान को इस तरीके से चलते हुए
देख रहा था और ये देख करके काफी ज्यादा घबरा जाता है। हालांकि जियान की नींद खुल गई थी लेकिन वो फूजी की थोड़ी से मजे लेती है। मजे मजे में प्रैंक कुछ ज्यादा ही हो जाता है। नेक्स्ट डे जियान फूजी को सॉरी बोलने के लिए उसके लिए लंच बना करके उसके हॉस्पिटल लेकर के पहुंच जाती है। उसके यहाँ पर जो नर्स लोग थी वो लोग कह रही थी आपकी गर्लफ्रेंड तो काफी ज्यादा ही खूबसूरत है। फूजी कह रही मेरे कोई गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं है। फिर वो जियान को अपने ऑफिस में लेकर के जाता है जहाँ पर कि वो उसका दिया हुआ लंच करने वाला था। हालांकि वो 110% श्योर था कि जियान ने क्या ही खाना बनाया हो और होता भी जा रही है। फिर भी जियान के कहने पर एक दो वाइट फूड का चख ही लेता है। फूड इतना गंदा टेस्ट कर रहा था कि बेचारा फूजी उसे भला क्या ही बताए। उसे तो सच में हॉस्पिटलाइज यहाँ पर होना पड़ता है। जियान कहते हैं आई एम सॉरी यार, मुझे लगा नहीं था कि इस तरीके से तुम्हें मेरा फूड हॉस्पिटल में पहुँचा देगा। फूजी उसे कहता है अच्छा कोई बात नहीं, इतनी भी बुरी कंडीशन नहीं है मेरी तबीयत। वहाँ पर नर्स आती है और कहने लगती है फूजी आपकी तबीयत ऑलरेडी ठीक नहीं है, आपको आप क्या खा रहे हो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। फूजी नहीं चाहता था जियान को उसकी कंडीशन के बारे में पता चले, इसी वजह से वो बहाना बनाने लगता है। और नर्स वहाँ से चली जाती है। जियान पूछे सब ठीक तो है ना। फूजी कहता हाँ सब ठीक है, मुझे एक्चुअल में चीज़ से एलर्जी थी इसीलिए वो ऐसा बोल रही थी। अब प्लीज़ तुम दोबारा वो खाना मत बनाना। जियान कहते ठीक है तो आज से खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। फूजी बेचारा फंस जाता है। यहाँ पर जियान को एक कॉल आता है, वो काफ़ी परेशान हो जाती है। एक्चुअल में उससे उसमें फूजी की हेल्प चाहिए थी। वो फूजी से हेल्प मांगती है। फूजी को पता नहीं था क्या हेल्प लेना है लेकिन वो पहले ही मना कर देता है क्योंकि उसे पता था जियान का कुछ ना कुछ ऊट पटांग ही उससे फेवर होने वाला हुआ। लेकिन चाहे वो अब जितना भी मना कर ले वो जियान से अलग रह पाना अब नहीं सोच सकता था। रात में हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से जियान फौजी को कहती है एक्चुअल में मुझे ना एक डांस टीचर बनना, उसके लिए मुझे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है और उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एक डांस पार्टनर चाहिए। फौजी कहता है मैंने ज़िंदगी में आज तक कभी डांस नहीं किया और तुम मुझे डांस करने के लिए बोल रही हो। लेकिन चाहे वो जितना भी कह ले उसे जियान के कहने पर ये डांस प्रैक्टिस करना ही पड़ता है क्योंकि जियान ने कहा था कि अगर वो उसका हेल्प करेगा तो वो ये घर जल्दी ही छोड़ करके चली जाएगी। फौजी सोचता है तब तो थोड़ी देर चैन से अकेले रहने मिलेगा, वो सोचता है खुद ही में प्रैक्टिस करने के लिए। हालांकि इस बारे में जियान को नहीं बताता है। नेक्स्ट डे जियान वीडियोस देख करके प्रैक्टिस करने का कोशिश कर रही थी तो वो उसका मजाक उड़ाता है हाँ हाँ बहुत अच्छा डांस कर रही हो और अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। हॉस्पिटल में जाकर के वो वीडियो से डांस सीख रहा होता है। उसका डीन भी उसका मजाक उड़ा रहा था कि वह कर क्या रहा है। मुझे कहता कुछ नहीं बस मैं काम करने के लिए जा रहा हूँ। और पेशेंट लोगों से भी वो पूछ रहा होता है ये डांस कैसे करते हैं, बेचारा अगले एक दो दिन बहुत ही मेहनत करता है। जियान यहाँ पर अप्लाई करने के लिए जाती है तो ये तो बोलते हैं कि जैसे कि तुम्हें पता है यहाँ पर से पार्टनर्स अलाउड है और तुम्हारा पार्टनर नहीं है तो हम तुम्हें पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं दे सकते हैं। ये भी वहाँ पर फौजी एंट्री लेता है और कहता है टीचर्स मैं जियान का यहाँ पर पार्टनर होने वाला हूँ। वैसे मस्त से डांसिंग वाले ड्रेसेस पहन करके आया हुआ था। जियान पर उसे देख करके सोच रही थी कि ढक्कन कर क्या रहे, डांस इसे करना आता नहीं है और ऐसी स्वैग वाली एंट्री ले रहा है। टीचर्स कहते हैं बस यहाँ पर फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही है, यहाँ पर जियान का पार्टनर बनना है तो इस तरीके से ये फॉर्म पहले फिल करना होगा। बेचारी की तो सारे स्वैग गिरी की कबाड़ी हो जाती है। फिर वो फॉर्म वगैरह फिल करता है और जियान के साथ डांस करने के लिए जाता है। हालांकि जियान को कोई उम्मीद नहीं थी पर होता भी वही है, फूजी बहुत ही गंदा डांस करता है। हालांकि जितना उसने दो दिनों में प्रैक्टिस किया था उस हिसाब से तो काफ़ी अच्छा ही डांस किया था। जियान को भी यहाँ पर फूजी की मेहनत दिख रही थी और वो धीरे धीरे फूजी को पसंद करना स्टार्ट भी कर देती है। हालांकि जियान काफ़ी अच्छा डांस करती है लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। टीचर कहते हैं प्रॉब्लम जियान में नहीं है, प्रॉब्लम तुम में है। तुम्हें इतना बुरा डांस आता था तो फिर तुम यहाँ पर डांस करने के लिए आए क्यों? वो भला इस बात को कुछ कह ही नहीं सकता था। जियान को वो सॉरी कहने लगता है कि सॉरी यार मैं तुम्हारा हेल्प नहीं कर पाया। जियान कहती है कोई नहीं, गलती तुम्हारी नहीं है, एक्चुअली मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। रात में फूजी जियान के लिए इस तरीके से फूड बनाता है और वो सच में काफ़ी अच्छा फूड बना हुआ था जो कि जियान को खा करके बहुत ही अच्छा लगता है। वो दोनों मस्त पार्टी वार्टी करके ड्रिंक वगैरह करके जब जियान टर्न हो जाती है तो वो उसके कमरे में रेस्ट करने के लिए लेकर के जाता है। फूजी कहीं ना कहीं अपने फीलिंग को जियान के लिए समझने लगा था कि एक्शन में वो उसे पसंद करने लगा है। लेकिन तभी वहाँ पर उसे अपनी खराब तबीयत का एहसास होता है और वो सोचता है कि नहीं जियान इतनी प्रिटी है वो उसकी ज़िंदगी नहीं बर्बाद कर सकता है। उसके पास सिर्फ 100 डेज है, वो जियान को कभी कन्फेस नहीं कर सकता है कि वो उसे प्यार करता है। वो उसे इस तरीके से अपने चक्कर में फंसा करके नहीं रख सकता और फिर वो अपने कमरे में चले जाता है। नेक्स्ट डे वो मस्त घोड़े बेच करके सो रहा होता है तभी जियान उसे जगाने के लिए आती है और कहती है चलो मैं तुम्हें एक जगह लेकर के चलने वाली हूँ, कल तुमने इस तरीके से मुझे खुश करने के लिए डिनर बनाया था। वो उसके बाल खींचते उसे लेकर के जाती है, वो नहीं जा रहा था तो
वो दोनों मूवी देखने के लिए जाने वाले थे। जियान ने यहाँ पर हाइल पहना था और उसे चलने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। फूजी उसका मजाक उड़ाता है तो उससे कहती चलो जल्दी से अपने सूट चूज करो। वो यहाँ पर इस तरीके से उसे अपने एक प्रॉपर बॉयफ्रेंड की तरह ट्रीट कर रही थी। बेचारे फूजी को जियान के लिए सैंडल पहनना पड़ता है। अच्छा मेरे क्यूट क्यूट से जो वॉचर्स हैं, आप लोग बताओ कि क्या कभी आपने अपने पार्टनर के लिए इस तरीके से सूज चेंज किया है? इधर हम लोग देखते हैं कि फूजी और जियान मूवी देखने के लिए जाते हैं, लेकिन आपस में मूवी के बारे में बातें ही करते रह जाते हैं। पीछे बैठा इंसान इन पर गुस्सा करने लगता है। जियान लड़ने का कोशिश करती है तो फूजी उसे काम डाउन कर रहा था। जियान उसे कमेंट कर देती है कि क्या लड़का हो यार, तुम्हें मेरे बदले लड़ना चाहिए बस। फूजी के अंदर का मर्द जाग जाता है और वह इंसान से जियान के लिए सच में लड़ने झगड़ने लगता है। बात यहाँ पर पुलिस तक चली जाती है, लेकिन काफ़ी कॉमन से टॉपिक पे लड़ाई हो रही थी। इसी वजह से पुलिस इंस्पेक्टर इन दोनों को सिर्फ सॉरी बुलवा करके छुड़वा देते और कहते हैं दोबारा इस तरीके से नहीं लड़ने के लिए। जियान कहती है वैसे मुझे नहीं लगा था कि तुम सच में मेरे लिए लड़ने वाले हो, चलो अब हम कुछ और करने के लिए जाते हैं। लेकिन फूजी उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग जगह लेकर के जाता हूँ। जैसा कि तुम्हें मूवीज़ में मैंने मूवीज़ को नोटिस करते हुए देखा, मुझे लगता है कि शायद तुम्हें स्क्रीन राइटर बनना पसंद है। एक्चुअल में जियान ने अब तक डिसाइड नहीं किया था कि उसे बनना क्या है। वो सिर्फ एक ड्रामा की शूटिंग पर लेकर के जाता है। वहाँ पर उसका फ्रेंड था जो कि इस ड्रामा को प्रोड्यूस या डायरेक्ट कर रहा होता है। वैसे कहते हैं कि मैं तुम्हें उनसे मिलाऊंगा और तुम सीखना और स्क्रीन राइटिंग करते कैसे, यहाँ पर तुम्हें आइडिया मिल जाएगा। जब वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं वो डायरेक्टर उस कहानी की हीरोइन को डांट लगा रहा है क्योंकि वो अच्छे से रोल नहीं कर पा रही है। अरे वो भी इतनी अकड़ूत हो कि खुद को सुधारने के बजाय वो यहाँ पर ये डायरेक्शन का ये ड्रामा छोड़ना ज़्यादा अच्छा डिसाइड करती है। गुस्सा करके वो वहाँ से चली जाती है। तभी वो डायरेक्टर की नज़र पड़ती है फूजी और जियान पर। फूजी से मिलने के बाद वो पूछता है कि ये कौन है, तो बताता है कि एक्चुअल में स्क्रीन राइटर है, काफ़ी अच्छी कहानियाँ लिखा करती है। झूठ बोल करके पूरा चढ़ा रहा था लेकिन उसे देखने को कहता है मुझे लगता है कि तुम हीरोइन बनना चाहिए, तुम काफ़ी प्रिटी हो और तुम एक्टिंग भी कर लोगे। जियान को एक मौका दिया जाता है और फर्स्ट रोल में वो काफ़ी अच्छा एक्ट करती है। इतना अच्छा डायरेक्टर को वो इतनी अच्छी लगती है कि बहुत सारे बॉलीवुड ड्रामाज के लिए वो उसे साइन कर लेता है। जियान हालांकि यहाँ पर बनने कुछ और आई थी और वो इस तरीके से बन कुछ और जा रही है। हालांकि फूजी उसे कहता है जियान से कि सोच लो तुम्हें स्क्रीन राइटर बनना था, तुम एक्टिंग कर रही हो। जियान कहती है वैसे मुझे ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, मैं इसे भी ट्राई कर सकती हूँ। अगले एक दो दिनों तक जियान यहाँ पर कुछ वर्टिकल ड्रामा जो है वो शूट कर रही होती है और वो फर्स्ट शूट में ही सारा ओके सीन दे देती थी। इसी वजह से वो ड्रामाज काफ़ी अच्छे से शूट हो रहे थे। एक रात वो फूजी को कॉल करती है और उसे अपने साथ डिनर करने के लिए चलने बोलती है। फूजी जब उसे डिनर करने के लिए जाता है तो वो उसे कहती है कि मैं अभी ये शूटिंग वगैरह छोड़ रही हूँ। वो पूछता है क्यों, अभी तो तुम्हें बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा था। जियान कहती है हाँ लेकिन सारे रिपीटेटिव स्टोरीज रहते हैं और मुझे उनमें अब इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मुझे लगता है कि मुझे स्क्रीन राइटिंग ही ट्राई करनी चाहिए। मेरे पास वैसे भी स्टोरीज की काफ़ी सारी आइडियाज़ हैं। देखो यार करने के लिए तो बहुत सारे काम होते हैं लेकिन मेरे लाइफ का फिलहाल मोटिव है कि मैं अपने इंटरेस्ट का काम करूँ जिसमें मैं पैसे भी कमा सकूँ। फूजी उसे कहता है ठीक है आगे तुम्हारी मर्जी है, तुम स्क्रीन राइटिंग भी ट्राई कर सकती हो, वैसे मुझे लगता है कि तुम एक्ट्रेस के तौर पे भी काफ़ी अच्छा काम करती हो। जियान कहती है वैसे भी बहुत दिनों से मैं कराओके नहीं गई हूँ, डिनर करने के बाद हम कराओके चलेंगे। फूजी कह रहा होता है नो चांस ही नहीं है, कुछ भी हो जाए मैं जाने नहीं वाला, लेकिन हम सबको पता है कि आगे क्या होने वाला है। वो दोनों यहाँ पर कराओके जाते हैं। वो मस्त मस्त अपना गाना गा रहा होता है, मस्त क्या काफ़ी बेसुरा कह लो वो गाना गा रहा होता है। और तभी वहाँ पर जियान भी उसके साथ फुलन मस्ती करती है। इन दोनों की लाइफ मस्त कट रही थी। यहाँ पर वो लोग बैठते हैं तभी वहाँ पर बहुत सारी फीमेल मॉडल्स आ जाती है। जियान ये देखकर शौक हो जाती है कि उसे किस जगह पर लेकर गया है क्योंकि उसने जगह चूज करने के लिए इसे छोड़ दिया था। उसे ऐसा लगता है कि वो जानबूझ करके उसे यहाँ पर लेकर गया हुआ, लेकिन फूजी उसे कहने लगता है कि अरे मेरी गलती नहीं है, एक्चुअली मैंने अपने एक फ्रेंड से रिकमेंडेशन मांगा था कि ऐसे क्लब वगैरह में कराओके में जाने के लिए कौन सा आसपास में प्लेस अच्छा है, तो उसने मुझे ये रिकमेंड किया था। जियान कहाँ है उसके सुनने वाली थी, वो यहाँ पर उसके लिए गर्ल चूज करती है और कहती है इंजॉय करो, तुम्हें तो यही इंजॉयमेंट चाहिए था ना, ऐसा करके वो घर के लिए निकल जाती है। फूजी उस फीमेल मॉडल को छोड़ करके जियान को मनाने के लिए जल्दी जल्दी उसके पीछे पीछे जाता है। वो घर जाकर के उसे बहुत देर तक बातें करने का कोशिश करता है, उसे मनाने का कोशिश करता है, लेकिन वो अपने कमरे का गेट ही नहीं खोलती है। उसे ऐसा लगता है कि जियान उसकी गर्लफ्रेंड तो है नहीं जो उसे ऐसे गिल्ट की फीलिंग हो रही है और उसे कन्फेस करने के लिए बातें कर रहा है। वो नेक्स्ट डे इस तरीके से अपने ऑफिस चला जाता है जहाँ पर कि उसे डायरेक्टर के पास से कॉल आता है कि पंगा हो गया है आ जाने के लिए। उस प्लेस पर पहुँचते तो उसे पता चलता है कि जियान यहाँ पर शूटिंग करने से मना कर रही है। वो यहाँ पर डायरेक्टर को कुछ चीज़ों को इम्प्रोवाइज़ करने का कोशिश कर रही थी, कह रही होती क्योंकि ये सीन और बेटर हो सकता था, लेकिन वो कहता है
कि कहानी अब एंडिंग के सीन पर है तो ये इम्प्रोवाइजेशन नहीं कराते, वरना पूरा ड्रामा वापस से शूट करना पड़ेगा। जान करती अगर ऐसा नहीं करना तो मैं काम नहीं करने वाली, और जो कुछ भी कंपनसेशन फी होगा मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। मुकुश सागर के वहाँ से चली जाती है। फौजी यहाँ पर जैसे तैसे करके अपने फ्रेंड को शांत करता है और कहते हैं कि ये ऐसे ही मूडी गर्ल है, ऐसे कब क्या करना होता है इसे खुद नहीं पता होता है। ऐसा करके वो फिर जिहान को मनाने के लिए घर जाता है। उसे लगा था कि जिहान वापस से बात नहीं करने वाली है, लेकिन वो अपना लैपटॉप लेकर के कमरे का गेट खोल देती है। वो उसे कहती है कि मैंने एक्चुअल में एक स्टोरी लिखी है और मैं तुम्हें सुनाना चाहती हूँ। अब जिहान यहाँ पर गुस्सा थी इसी वजह से फूजी उसकी स्टोरी सुनने के लिए रेडी भी हो जाता है, लेकिन स्टोरी काफ़ी अजीब सी थी। वो कहता है मज़ा नहीं आया इस कहानी में। फूजी उसे कहती है तुम्हें कहानी सिर्फ पढ़ करके नहीं उसे फील करना होगा तो ही तुम समझ पाओगे ना कि कहानी कितनी अच्छी है। उसे इमेजिन करा रही होती है अपनी आंखों को बंद करो और इस कहानी को फील करो कि क्या हो रहा है। फील करने के बाद तो फूज बेचारा और घबरा जाता है और कहता है कि तुमने इस तरह के ड्रामा लिखे हैं, तुम्हारे ये ड्रामा देखेगा कौन। जहाँ कहती है प्यार में पड़ी हुई लड़कियाँ, यू डोंट नो इस कहानी का कितना बड़ा मार्केट हो सकता है। फूज उसे कहता है ओ कम ऑन गर्ल, कुछ नई चीज़ें लिखो, ये वही पुरानी कहानी हो गई है, तुम फिर सब कुछ सेम ही लिखोगी तो फिर डिफरेंस क्या हुआ। जहाँ कहती है ठीक है मैं आज से सच में स्क्रीन राइटिंग ट्राई करने वाली हूँ, और तुम ना हमेशा मुझे सिर्फ इम्प्रूव करने के लिए बोला और बोला कि मेरी कहानी बहुत अच्छी है। फौजी ओके ओके बोल करके अपने कमरे में चले जाता है। जब वो अगले दिन यहाँ पर अपने ऑफिस जाता है तो उसे वापस से जहान का कॉल आता है और वो उसे कहती है फ्री हो क्या, मैंने एक और कहानी लिखी है, मैं तुम्हें सुनाना चाहती हूँ। फौजी बेचारा चाह करके भी उसे मना नहीं कर पाता और वो जहान की स्टोरीज को सुनने के लिए मजबूर हो जाता है। वो उसके स्टोरीज सुन रहा था तभी वहाँ पर एक इमरजेंसी केस आ जाता है और उसे वहाँ से जाना पड़ता है। जान सोचती थी छोड़ो छोड़ो ये बिजी है तो मैं खुद ही कहानी लिख लेती हूँ, बाद में उसे सुना दूंगी। वो फ़ोन रख देता है। रात में वो जाता है तो देखता है कि जियान स्टोरी लिखते लिखते हॉल में ही सो गई है। वो उसे जगा के पूछ रहा था कि वो हॉल में क्यों सो रही है, तो वो कहती है स्टोरी लिखते हुए उसे नींद आ गई थी। वो उसे कहता है अच्छा बाबा सॉरी, अगले बार से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा, मैं तुम्हारी स्टोरी ज़रूरी सुन लिया करूँगा। जियान कहती है हाँ नेक्स्ट डे से ना तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से इनक्रेज ही करना कि मैंने बहुत ही अच्छी कहानी लिखी हुई। फौजी को जियान से इतना जल्दी इतना ज़्यादा वाला प्यार हो जाएगा उसने ये गेस नहीं किया था। अच्छा आप लोग कहानी के इस पॉइंट पर आ गए तो आप लोग एक चीज़ मेरे लिए गेस करना, इस कहानी की हैप्पी एंडिंग होने वाली है ये सैड, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगले सीन में फौजी यहाँ पर अपने उस फ्रेंड से मिलने के लिए जाता है। उसका फ्रेंड उसे कहता है मुझे पता चला कि तुम शिफ्ट हो रहे हो तो मैं तुम्हारे फ्लैट पर आना चाहता हूँ। फौजी मना करता है और कहता है कि एक्चुअली वो एक गर्ल के साथ रह रहा है और ये कन्वीनियंट नहीं होगा। उसका फ्रेंड कहने लगता है भाई तो सच में रिलेशनशिप में है क्या, तो उस लड़की को पसंद करता है ना। फौजी कहता है हाँ मैं उस लड़की को पसंद करता हूँ लेकिन मैं उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं हूँ, मैं उस लड़की की लाइफ ख़राब नहीं करना चाहता, जैसे कि तुम्हें पता है मेरे पास बहुत कम ही समय बचा हुआ। फिर भी उसका फ्रेंड उसे इनकरेज करते हुए कहता है देख भाई मैं नहीं जानता वो तुझे हाँ कहेगी या नहीं, लेकिन अगर तू उसे पसंद करता है तो एटलीस्ट तुझे उसे कन्फेस करना चाहिए, कहीं तुझे अगले जन्म में भी इस बात का रिग्रेट ना रह जाए कि तू जिस लड़की को पसंद करता था उसने तुझे तूने उसे ये बात बताया नहीं, और अगर तू रिजेक्ट हो भी जाता है तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, एटलीस्ट तूने कन्फेस तो किया ना। फूजी को भी ये बात सही लगता है, एटलीस्ट जियान को ये बात जानना तो चाहिए ही कि वो उसे पसंद करता है। वो अपने फ्रेंड की बात मान करके कहता है ठीक है। वो यहाँ पर जियान को कन्फेस करने के बारे में सोच रहा है। उसका फ्रेंड उसे सजेस्ट करता है कि उसे किस तरीके से उसे कन्फेस करना चाहिए। फूजी का बहुत ही सिंपल फंडा था कि उसे कैसे कैसे कन्फेस करना है। उसका फ्रेंड उसे कुछ आइडियाज़ देता है कि उसे किस तरीके से उसे कन्फेस करना चाहिए, जिससे कि जियान यहाँ पर थोड़ा और इम्प्रेस हो जाएगी और वो उसे हाँ कह देगी। फूजी ये सारी बातें करके अपने फ्रेंड के साथ घर जाता है। वो सोचता है कि वह जियान को एटलीस्ट अपने मन के बारे में कुछ बताएगा। जियान वापस से कहती है कि वो ड्रिंक करके आया। फौजी कहता है थोड़ा बहुत। जियान कहती है ज़्यादा तो ड्रिंक नहीं किया ना। वो कहता है नहीं। तब वो कहती है अच्छा आ जाओ मैंने एक नई कहानी लिखी है तुम्हें, मैं कहानी बताती हूँ। फौजी सुन रहा होता है तो जियान से कहती है एक्चुअल में ये एक रिबर्थ की कहानी है जिसमें कि हीरो को एक टर्मिनल इलनेस था और वो मर जाता है। फिर वो रिबर्थ लेकर के आता है, हीरोइन को कन्फेस करते कि वो उसे प्यार करता है लेकिन वो वापस से मर जाता है। फौजी कहता है कि तुम कहानी की कोई हैप्पी एंडिंग नहीं लिख सकती हो। जियान कहती है कि कहानी में ट्रेजेडी ही होना चाहिए, इसी वजह से लोग आपको याद रखते हैं, अगर कहानी की हैप्पी एंडिंग होगी तो सब आपको भूल जाएंगे। फूजी जियान की ऐसी बातें सुन करके उसे नहीं कन्फेस कर पाता है कि वो उसे पसंद करता है क्योंकि उसे ये कहानी उसी की तरह लग रही होती है। इस तरीके से अब वो यहाँ पर जियान को अलग तरीके से कन्फेस करने के लिए सोच रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे हेल्प ले क्या करे। उसे एक्चुअल में जियान के लिए एक काफ़ी महंगा सा रिंग बाई करना था उसे कन्फेस करने के लिए,
और उसके पास फिलहाल उतने सेविंग्स नहीं थे, तो वो यहाँ पर पहले तो डायरेक्टर से हेल्प लेना चाहता है बट वो उससे बोल नहीं पाता है। फिर से ध्यान आता है वो ऑनलाइन फूड डिलीवरी कर सकता है, और जब वो ऑनलाइन फूड डिलीवरी पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन करता है तो उसे नेक्स्ट ऑर्डर आ जाता है उसी के फ्रेंड का। जब उसे डिलीवर करने के लिए जाता है तो उसका फ्रेंड देख कर शॉक्ड हो जाता है कि फूजी ये कर क्या रहा है। तो उसे पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मैं जान सकता हूँ? फूजी उसे कहता है एक्चुअल में मैंने यहाँ पर जियान को गिफ्ट देना चाहता था, इसी वजह से मैंने यह पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन किया था। वो उसे कहता है कि लड़कियाँ रिंग पे नहीं वो सिचुएशन पे मरती हैं। अच्छा चल रिंग के लिए तो पैसे मैं तुझे दे दूंगा, तूने उन पैसों से रिंग खरीद लेना, लेकिन तूने सोचा तो कैसे कन्फेस करेगा? वो जो उसे कहता है हाँ बस एक सिंपल सा कमरा होगा, केक्स होंगे, चॉकलेट्स होंगे और मैं वहाँ पर इसे कन्फेस करने वाला हूँ। उसे कहता है तो उसे हॉल रूम में लेकर के जा जहाँ पर जियान डरेगी, तो उसे सेव करेगा, वो इम्प्रेस हो जाएगी और लास्ट में तो उसे कन्फेस करना वो हाँ ही कह देगा। फूजी को यहाँ पर ये आइडिया काफ़ी सही लगता है कि ये प्लान सच में वर्क करेगा। वो थ्रू आउट द स्टोरी अपने पूरे प्लान को इस तरीके से माइंड में बैठा देता है कि हाँ ऐसा कुछ होगा तो जियान जरूर ही हाँ कह दी, कि वो यही सोच सोच करके काफ़ी खुश हो रहा था और जियान के लिए रिंग वगैरह खरीद लेता है। रात में जब वो घर जाता है तो वो जियान को अपने साथ चलने के लिए कहता है। जियान रेडी हो जाती है उसके साथ हॉल रूम जाने के लिए, लेकिन वो कुछ उल्टा जाता है। यहाँ पर जो फूजी का फ्रेंड था उसने सब कुछ सेटअप करके रखा हुआ था, लेकिन अलग ही पंगा हो जाता है। फूजी जियान को अंदर जा करके बोलता है एंजॉय करो मैं आता हूँ 2 मिनट में। वो केक वेक लेने के लिए गया हुआ था, लेकिन यहाँ पर एक और लड़की अपना रिलेशनशिप को मैटर को सुलझा रही होती है। इन तीनों के बीच एक लव ट्रायंगल यहाँ पर क्रिएट हुआ था, और ये जो बंदा था जो कि यहाँ पर जियान के लिए सब कुछ सेटअप करने वाला था, वो यहाँ पर गलती से उस गर्ल को जियान समझ लेता है, क्योंकि उसने जियान को कहीं देखा नहीं था। तभी वहाँ पर जियान आ जाती है और वह इस तरीके से इस सिचुएशन को देख करके काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि उसमें यहाँ पर एक नई कहानी उसे नज़र आ रही थी। चीज़ों को थ्रू आउट इस तरीके से गो थ्रू करने के बाद वो यहाँ पर उनके लड़ाई झगड़े को सुलझाने का कोशिश कर रही होती है। उस लड़की का वो गाय वहाँ पर आता है जिसे कि वो पसंद करती है। दूसरी साइड हमारे ढक्कन फूजी जियान को केक लगा के ढूंढते फिर रहा था उसे प्रपोज करने के लिए, और जियान मिल ही नहीं रही थी कि वो किस कमरे में जा चुकी है। जब तक वो जियान को वहाँ पर ढूंढते हुए आता वो ये देख रहा था कि जियान ने एक्चुअल में अलग ही मैटर यहाँ पर करके रखा हुआ है। जियान यहाँ पर देखती है कि फूजी ने उसके लिए केक और इस तरीके से रिंग वगैरह लेकर के आया था। हालांकि फूजी उसे कन्फेस नहीं कर पाता, वो दोनों घर लौट जाते हैं। वो उसे कह रही थी कि क्या केक वेक तुमने मेरे लिए अरेंज किया था? फूजी यहाँ पर थोड़ा सा साई होते हुए ओके कह देता है, लेकिन तभी उसे काफ़ी वोमिटिंग आने लगता है। वो वॉशरूम में चले जाता है जहाँ पर वो खून की उल्टी कर रहा था। उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि उसका सिचुएशन काफ़ी बुरा होते जा रहा है, और वो जियान को इस बारे में बता नहीं सकता था और उसे कन्फेस भी नहीं कर सकता था। शायद वो गलती कर रहा है, उसे ऐसा लगने लग रहा था। वो जियान को नहीं अपने प्यार के चक्कर में पढ़ाना चाह रहा था, और अगर जियान उसे पसंद नहीं करती होगी तो उसके मन में और गिल्ट हो जाएगी। सब कुछ जानने के बाद जियान उसे पूछ रही होती है क्या हुआ। जब जियान यहाँ पर अंदर से पूछ रही थी कि मैंने रिंग देखा था, क्या तुमने मेरे लिए रिंग ऑर्गेनाइज किया था? तो फूजी बाहर आता है और कहता है कि नहीं तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा ये घर छोड़ करके चले जाओ। जियान शॉक थी, पूछती है क्यों। फूजी अपना गुस्सा उस पर निकालते हुए कहता है मैं इस घर का रेंट देता हूँ, मैं घर के सारे काम करता हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना, तुम फ्री में यहाँ पर मेरे सर का बोझ बन करके रह रही हो और मैं तंग आ चुका हूँ, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम ये घर छोड़ करके मेरी लाइफ से चले जाओ, मुझे अकेले शांति से रहना। वो जियान को जान बूझ करके हर्ट करने के लिए ये बातें कह रहा था। हालांकि ये बातें सच थी कि जियान घर में कोई काम नहीं करती थी, वो सिर्फ मस्ती में रहती थी, लेकिन फूजी को इस बात का कभी बुरा नहीं लगा था, वो उसे पसंद करता था। इनफैक्ट वो उसे अपने लाइफ में पूरी तरीके से एडजस्ट कर चुका था। जियान को ऐसा लगने लगता है कि फूजी उसके बारे में ऐसा सोच रहा है। अगर किसी को भी कोई इंसान इस तरीके से बोलेगा तो बुरा तो बहुत लगेगा, इसी वजह से वो फूजी से लास्ट टाइम पूछती है कि क्या वो सच में चाहता है कि मैं चली जाऊँ। फूजी दिल पर पत्थर रखे कहता है कि हाँ तुम चली जाओ मेरी लाइफ से। फिर जियान उससे कोई भी सवाल नहीं पूछती है, वो तुरंत ही अपना सामान पैक करती है और कहती है कि ठीक है फिर दोबारा तो मुझे कभी बुलाने के लिए मत आना, क्योंकि मैं वापस नहीं आने वाली। ऐसा कहते हुए वो अपना सामान लेकर के वहाँ से गुस्से में निकल जाती है। फूजी उसे जाते हुए देख रहा था बट वो उसे चाह करके भी नहीं रोक सकता था, क्योंकि जियान को अगर रोकता तो शायद उसके साथ साथ उसकी भी वो लाइफ ख़राब कर रहा होता। उसके जाते ही जियान के लिए उसने जो रिंग बनाया था उसे देख करके वो बहुत ही ज़्यादा वाला रोने लगता है।
नेक्स्ट डे वो अपने डॉक्टर फ्रेंड को दिखाने के लिए जाता है, तो वहाँ पर वो बोलता है कि तुम्हारी कंडीशन बहुत बुरी होती जा रही है। फौजी कहता है हाँ, मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहता हूँ बचे हुए दिन। तो वो उसे कुछ पेन किलर्स दे देता है। वो कहता है तुम्हें पता है तुम्हारे लास्ट टाइम में इस वजह से तुम्हें बहुत पेन होने वाला है। फौजी कहता है कि हाँ मैं डॉक्टर हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। जब वो घर जाता है तो वो जियान को यहाँ पर मिस कर रहा था, उसके साथ बिताया वो पल को तो इस तरीके से हेलुसिनेट कर रहा था और वो सोच रहा था कितनी अच्छी होती हमारी लाइफ अगर हम दोनों साथ होते। तो दोनों की जोड़ी काफ़ी अच्छी जमने लगी थी। एक तरफ जियान अपने घर पर बैठ कर के बहुत ड्रिंक कर रही होती है, फौजी को भूलने का कोशिश कर रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं उसे खुद फौजी से प्यार होने लगा था, और दूसरी तरफ फौजी भी कुछ वही कर रहा था। अगले दिन वो अपने मॉम डैड से मिलने के लिए जाता है। उसने अपने मॉम डैड को भी नहीं बताया था कि वो एक्शन में ये सब कुछ झेल रहा है। इस कहानी की एंडिंग बहुत ही ज़्यादा सैड होने वाली है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। ये सारे सीन्स वो लोग ऐसे ही दिखा रहे हैं। फौजी यहाँ पर अपने मॉम डैड को नहीं बताता, वो यहीं पर आज रात स्टे करता है। रात में उसकी मामा से बात करने के लिए आती है, उसका सैड फेस देख करके वो समझ गई थी कि शायद जियान से उसका लड़ाई झगड़ा वो होगा। वो कहती है कि भले ही हमें जियान कुछ खास नहीं लगी, लेकिन अगर वो तुम्हें पसंद होगी तो हम तुम्हें उसे अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हैं। फौजी इमोशनल हो जाता है ये सोचते हुए कि वो तब उसके लाइफ में है ही नहीं। नेक्स्ट डे वो अपने डीन से मिलने के लिए जाता है और वो यहाँ पर रिज़ाइन कर रहा था। उसके डीन पूछते हैं क्या हुआ, तुमने तो अभी भी ज्वाइन किया था। फौजी कहता है कुछ नहीं, उसे बस कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। तो डीन उसे वहाँ से जाने दे देते हैं। वो बाहर निकलता है तो वो जियान को एक लड़की के साथ एक कार से जाते हुए देखता है और उसे काफ़ी ज़्यादा इस बात को लेकर के जेलसी होने लगती है। यहाँ पर वो अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाता है, वो काफ़ी सैड था। उसका फ्रेंड पूछता है क्या हुआ, तो वो उसे कहता है कि एक्चुअल में मैंने जियान को घर से निकाल दिया और आज मैंने उसे किसी और लड़की के साथ देखा। पहले तो उसका फ्रेंड उसे डांट लगाता है कि मैं तुझे उसे कन्फेस करने के लिए कह रहा हूँ, तो उसे अपने लाइफ से निकाल रहा है, और जब लाइफ से निकाल ही दिया है तो फिर यहाँ पर तू क्यों ही उसे इस तरीके से फ़र्क पड़ने दे रहा खुद को कि वो किसके साथ है। लेकिन मुझे कहता है नहीं यार, मुझे फिक्र हो रही है, जियान ढक्कन है, उसे वापस से उसके पहले वाला एक्स मिल जाए जो उसे डंप कर दे तो फिर वो रोते रहेगी, फिर उसे कौन संभालेगा। तो उसका फ्रेंड उसका हेल्प करना चाहता है। यहाँ पर उससे उसके फ्रेंड के थ्रू पता चला था कि एक्चुअल में यहाँ पर जो रियान है ना, तो उस लड़की के साथ एक होटल में गए हुए, और वो दोनों उस होटल के प्राइवेट बुकिंग रूम में है। अब फौजी को लगने लगता है कि कहीं वो लड़का यहाँ पर रियान का फ़ायदा ना उठाए, इसलिए उसके फ्रेंड को कहता है नहीं हमें बाहर चलना चाहिए, मुझे रियान को सेव करना होगा, वो गलत लड़के के हाथों में भी तो पड़ सकता है। उसका फ्रेंड यहाँ पर उसे कहता है चल ठीक है, मैं तेरा यहाँ पर हेल्प कर दे रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है अगर तू रियान को सच में प्यार करता है तो तुझे उसे कन्फेस करना चाहिए, ना कि इस तरीके की हरकतें करना चाहिए। वो अपने फ्रेंड को काफ़ी ज़्यादा कन्विंस करने के बाद उसे वहाँ से लेकर के जाता है, ये कहते हुए कि तुझे वहाँ आगे जाकर के बात करना है, क्योंकि वो जानता था कि उसने खुद जब यहाँ पर इस तरीके से जियान को अपने लाइफ से निकाला है तो ये तो ऑब्वियस है कि वो दोबारा उससे तो किस मुँह से ही जाकर के बात करेगा, जो भी उनके बीच क्या चल रहा है ये बारे में पता लगाने के लिए उससे उसके फ्रेंड की ज़रूरत थी। शुरुआत में तो वो दोनों बाहर से उनकी बातों को सुनने का कोशिश कर रहे थे कि वो दोनों क्या बात कर रहे हैं, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ें नहीं आ रही थी। तब वो अपने फ्रेंड को कहते हैं तो जान अंदर जाकर के देख क्या चल रहा है। उसका फ्रेंड फौजी का बात मान करके अंदर चले जाता है बात करने के लिए। उन्हें पता चला था कि जियान जिस लड़की के साथ है एक्चुअली में उसकी खुद की भी फियांसे हैं, तो और फौजी को ऐसा लगने लगता है कि वो जियान का यहाँ पर फ़ायदा उठाने का कोशिश कर रहा है। फौजी का फ्रेंड यहाँ पर आकर के पहले उस लड़के को कह रहा होता है कि तुम्हें जियान के साथ नहीं होना चाहिए, इधर उधर की बातें कर रहा था। तो वो उसे कहता है तुम्हें पता है ये होटल का प्राइवेट रूम है और तुम यहाँ आकर के तमाशा करोगे तो तुम्हें जेल भी हो सकता है। तो वो कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम समझ नहीं रहे हो। वो समझ जाता है कि ज़रूरी है जियान का कोई चाहने वालों में से होगा। जियान फौजी को उस फ्रेंड को जानती नहीं थी, लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि एक्चुअल में वो फौजी का फ्रेंड है तो वो समझ जाती है कि फौजी ने उसे भेजा होगा। उसका फ्रेंड बाहर जाकर उसे कहता है कि प्लान काम नहीं कर रहा, अब आगे मैं क्या करूं। फौजी उसे कुछ आइडियाज देता है उसे आगे जाकर के क्या करना चाहिए। उसका फ्रेंड जाकर के वापस से वही सारी बातें उसे कहने लगता है। तब जाकर के जियान उसे बताती है कि ये मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, इसके साथ रिलेशनशिप में नहीं हूँ, ये मेरा एक्चुअल में दूर का रिलेटिव है बस, और मैं उसके साथ यहाँ पर नॉर्मली लंच करने के लिए आई हूँ, तो क्या गलत है। और फौजी को अगर इतना ही प्रॉब्लम हो रहा है तो बोलो कि वो मुझसे आकर के डायरेक्टली बात करे, इस तरीके से वो तुम्हें ना भेजे। उसका फ्रेंड तो समझ ही रहा था कि जियान और फौजी के बीच में क्या चल रहा है, और इसी वजह से वो जानबूझ करके यहाँ पर उसके फ्रेंड को ऐसे प्रोवोक कर रहा था ताकि वो जाकर के फौजी को बोले और वो यहाँ पर जियान को आकर के ये सारी बातों के बारे में कन्फेस कर दें।
उसका फ्रेंड वहाँ से फिलहाल बाहर चले जाता है। फौजी को कहता है वह लड़का जियान का बॉयफ्रेंड तो नहीं है, जियान का कहना है कि वो उसका दूर का रिलेटिव है। फौजी कहता है दूर का रिलेटिव तो क्या हुआ, हमें कुछ और करना पड़ेगा, कहीं वह जियान के साथ फ्लर्ट ना कर रहा हो। नेक्स्ट डे वो पता लगाता है कि उसकी फ्यूंसे कौन है, उसे पता चलता है कि वो उसकी पहले की फ्रेंड हुआ करती थी, तो वो उससे मिलने के लिए चले जाता है। और यहाँ पर उसे इस बारे में बता रहा होता है कि एक्चुअल में वो बंदा जो कि उसका फ्यूंसे है वो आजकल किसी और लड़की में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रहा है। ये गर्ल कहती है तो हाँ क्या ही फ़र्क पड़ता है, वैसे भी हम दोनों का बिजनेस मैरिज है, सिर्फ कंपनी के शेयर्स को संभालने के लिए हम दोनों ने ये बात बुलाया था, कुछ महीने साथ रहने वाले और फिर हम दोनों का डाइवोर्स हो जाएगा। और अगर तुम्हें अपनी उस स्पेशल गर्ल के बारे में कुछ ज़्यादा ही फिक्र हो रहा है कि कहीं उसका मेरे फ्यूंसे के साथ कोई अफेयर ना चल रहा हो, तो तुम्हें उससे जाकर के बात करना चाहिए, मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता है। फौजी उसे बातों बातों में उसे अपनी सारी बातें बताता है कि किस तरीके से वो जियान से उस दिन मिला था जिस दिन उसे ये पता चला था कि उसे थर्ड स्टेज कैंसर है और वो मरने वाला है, और उसे धीरे धीरे उसके साथ रहते रहते उससे प्यार हो गया। उसकी ये सारी बातें सुन करके जो ये गर्ल थी वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि अगर ये सच्चाई तुम जियान को जाकर के बताओगे तो वो जरूरी समझेगी, लेकिन फौजी कहता है कि नहीं तुम्हें ये बात जियान से सीक्रेट रखना होगा, मैं उसे टेंशन नहीं देना चाहता। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चले जाता है। वो अपने फ्रेंड के साथ था, उसका फ्रेंड उसे कहता है कि भाई तू कर क्या रहा है, जियान अच्छी लड़की, तूने कहा था ना जब तू उसे पसंद करता है तो तू जाकर उसे कन्फेस करना। फौजी कहते हैं नहीं यार तुझे पता है मैं उसे ऐसे सिचुएशन में कैसे ही फंसा सकता हूँ। वैसे कहता है तो फिर आगे क्या करने का सोचा है, वो कहता है मुझे खुद नहीं पता, मुझे लगता है कि शायद मुझे खुद जियान के लिए एक नया बॉयफ्रेंड ढूंढ देना चाहिए जिससे कि मैं थोड़ा ढंग से रह सकूँ। ऐसे सोचते हुए वो जियान को ढूंढने के लिए जाता है। कई जगह ढूंढने के बाद जियान उसे नहीं मिल रही थी, काफ़ी ज़्यादा वो परेशान हो जाता है कि आखिरकार वो गई कहाँ, तो फाइनली जियान उसे मिलती है। वो उसे जा करके ऐसे दौड़ करके हक कर लेता है। जियान खुश होने के बजाय उसे डांटते हुए कहती है ओ कम ऑन, एक तो इतने दिन बाद मिला और ऊपर से कुछ कहने के बजाय बस हक कर रहे हो। वो जैसे कहता है कि एक्चुअल में मैं तुम्हें अपने कमरे पर इन्वाइट करने के लिए आया हुआ हूँ। जियान स्माइल करते हुए कहती है क्यों तुम्हें तो मैं अपने कमरे पर नहीं पसंद थी ना, मैं सिर्फ तुमसे काम करवाती थी। वो जैसे कहते हैं हाँ बट अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। जियान उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है और वो फौजी के साथ थोड़ा डिफरेंट ट्रीट उसे कह रही होती है। वो उसे कहता है मुझे लगता है ना तुम्हें ढंग के लड़के का बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए और मैं तुम्हारे लिए वो बॉयफ्रेंड ढूंढने वाला हूँ। जियान कहती है तुम्हें पता है कि मैं ढक कर लूँ, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है तो तुम ही मेरे बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बन जाते हो, मैं तुम्हें पसंद नहीं क्या। एक्चुअल में फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं कि जियान उस गर्ल से मिली थी और उस गर्ल ने जियान को सारी बातें सच बता दी थी, इसी वजह से जियान यहाँ पर फौजी के मन की बात जानना चाह रही थी कि वो उसे पसंद करता है या नहीं। फौजी कहता है ये मैटर नहीं करता कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या नहीं, मैटर ये कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक ढंग के बॉयफ्रेंड को लड़के को बॉयफ्रेंड बना लो ताकि उसके बाद वो तुम्हें डंप ना करे, तुम्हें चीट ना करे और तुम दोनों हमेशा साथ में खुश रहो। जियान तो बस ये चाह रही थी कि फौजी यहाँ पर उसे कन्फेस करे, लेकिन वो उसे कन्फेस नहीं करता है। वो बहुत ही कोशिश करती है, उसकी तबीयत भी ख़राब होने लगता है बट वो दवा वगैरह खा लेता है। नेक्स्ट डे से उसका बॉयफ्रेंड ढूंढने का राउंड स्टार्ट होता है। वो जियान को एक रेस्टोरेंट में लेकर के जाता है जहाँ पर कि उसने जियान के लिए कुछ ब्लाइंड डेट्स को चूज किया था और वह यहाँ पर बगल में बैठ करके जियान के लिए ब्लाइंड डेट्स का अरेंजमेंट करने वाला था। जियान कहती है तुम्हें नहीं लगता कि सिचुएशन थोड़ा अलग है, तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी ख़राब हूँ जो मुझे बॉयफ्रेंड नहीं मिलेगा। फौजी कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि तुम वापस से किसी ढक्कन को ही चूज कर लोगी जैसे कि पिछली बार उसने तुम्हें डंप कर दिया था और तुम रो रही थी मेरे सामने। जियान इस बात पर चुप हो जाती है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर उसके ब्लाइंड डेट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। 5-10 लड़के एक दिन में देखने के बावजूद यहाँ पर फौजी को जियान के लिए कोई परफेक्ट बंदा दिख ही नहीं रहा था और वो दोनों यहाँ पर टायर्ड होने लगते हैं। डे के एंड में यहाँ पर फौजी का डॉक्टर फ्रेंड था गु, जिसने कि यहाँ पर फौजी को डायग्नोस किया था, वो यहाँ पर आता है। फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं कि फौजी एक्चुअल में खुद ही यहाँ पर गु से मिलने के लिए गया हुआ था और उसने कहा था कि एक्चुअल में जियान बहुत अच्छी लड़की है,
एक बार तुम उससे मिल लो तुम उसे जरूरी पसंद करोगे। और वो उसके सारे कंसर्न्स के बारे में जानता था, इसी वजह से वो फूजी का बात नहीं डाल पाया। वैसे भी वो अपना लास्ट टाइम ही जी रहा था, तो दोस्त होने के नाते वो इतना तो कर ही सकता था। इसी वजह से वो यहाँ पर जियान से मिलने के लिए आया हुआ था। फूजी ने उसे पहले ही सबको समझा दिया था कि अगर जियान उसे पसंद करेगी तो उसे शादी के बाद के क्या शर्तें रखनी है, जैसे कि वो दो ग्लास वाइन से ज़्यादा नहीं पी सकती क्योंकि उसे बहुत ही नशा होने लगता है। और जियान के साथ रहते रहते उसके बारे में काफ़ी कुछ जान चुका था। उसके डॉक्टर फ्रेंड को ये सारी बातें करते हुए देख करके जियान समझ जाती है कि फूजी उसे सच में कितना ज़्यादा वाला प्यार करता है। तो ही इतने दिन वो उसके साथ रहने के बाद वो इसके बारे में इतना ज़्यादा जान चुका है। लेकिन वो चाहती थी फूजी एटलीस्ट उसे इस बारे में कन्फेस करे, क्योंकि उसका भी तो हक है अपने मन की फीलिंग उसे बताने का। जियान इन बातों को सुन करके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। दोनों काफ़ी देर तक बात करते हैं। फूजी काफ़ी बेसब्र होकर के जियान के घर आने का वेट कर रहा था। काफ़ी देर बाद जियान यहाँ पर घर आती है। वो पूछता है नॉर्मली कि वो कहाँ थी, तो वो कहती है कि वो उसके डॉक्टर फ्रेंड के साथ बैठ कर के डिनर कर रही होती है। वो पूछता है उसे कैसा लगा, तो वो कहती है मुझे वो अच्छा लगा और अगले हफ्ते हम दोनों शादी कर रहे हैं। फूजी ये बात सुन करके बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। वो अपने इमोशंस को काफ़ी छुपाने का कोशिश कर रहे थे। जियान कहती है आओगे ना तुम, क्योंकि तुम्हें पता है मेरी फैमिली नहीं है और इकलौती तुम ही मेरे फ्रेंड हो जो कि मेरे लिए इतना कुछ किए हो। फूजी कहता हाँ क्यों नहीं, साथ में चलेंगे ना, मैं स्टेज पर तुम्हें लेकर के चलूँगा। आई नो तुम्हारी फैमिली नहीं है। जियान कितनी भी कोशिश कर ले फूजी कन्फेस करने के लिए रेडी ही नहीं था। नेक्स्ट डे वो इस तरीके से अपने ग्रुप के साथ यहाँ पर डिनर करने के लिए जाता है, जहाँ पर कि गू ने सबको ये बताने के लिए यहाँ पर बुलाया हुआ था कि वो जियान से शादी कर रहा है। फूजी यहाँ पर आता है। जियान और गू को ऐसे सबको कन्फेस करते हुए देख कर उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो चीज़ों को बर्दाश्त करने का कोशिश करता है, लेकिन उससे उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब महसूस होने लगी थी और वो वहाँ से जाने लगता है। जियान उसके पीछे पीछे जाती है, लेकिन फूजी नहीं मुड़ता है। वो यहीं पर जियान उसे वो लाइन बोलती है, अगर तुम आज पीछे मुड़ गए ना तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो वहाँ से चले जाता है। अगले दिन जियान फूजी को लेकर के जाती है अपने साथ शादी के ड्रेसेस खरीदवाने के लिए। वो एक्चुअल में काम में बिजी था, इसी वजह से वो फूजी को लेकर के आई हुई थी। तो वो उसे कहता है चलो ठीक है, मैं दोस्त होने के नाते इतना भी कर देता हूँ, तुम्हारे लिए शादी के ड्रेसेस मैं पसंद करवा देता हूँ। तो जियान फिर शादी के ड्रेसेस ट्राई करने के लिए चली जाती है और फूजी उसका वेट कर रहा था। थोड़ी देर बाद जब वो ड्रेस पहन करके आती है तो वो बहुत ही ज़्यादा वाली प्रटी लग रही थी और फूजी उसे देखते रह जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि क्या कहे। यहाँ पर जो हेल्पर थी वो फूजी को उसका दूल्हा समझ करके उसे लड़कों के ड्रेसेस को ट्राई करने के लिए बोलता है। हालांकि फूजी यहाँ पर मना कर रहा था कि नहीं नहीं, लेकिन वो कहती है अरे हमें डिस्काउंट भी मिलेगा, आ भी जाओ। यहाँ पर फूजी वो ड्रेस पहन करके आता है तो वो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रटी लग रहा था और वो कहती है हेल्पर मैं आप दोनों का साथ में पिक्चर क्लिक कर देती हूँ। फूजी वहाँ पर जाते हैं। जियान बहुत ही क्लोज होकर के फूजी के साथ पिक्चर क्लिक करवाती है। अगले सीन में हम लोग वही उनके शादी का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि इस तरीके से गुरु रेडी होकर के गेस्ट को एंटरटेन कर रहा था और फूजी यहाँ पर आया हुआ था। उसे कहते हैं तुमने बहुत अच्छा किया जियान से मुझे मिला करके, वो सच में काफ़ी अच्छी लड़की है। तो फूजी कहता मैंने कहा था ना तुम उसे पसंद कर लोगे। वो यहाँ पर फूजी का हेल्थ का केयर कर रहा था, तो वो कहते हैं सब ठीक है। फिर वो इस तरीके से जियान से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर कि वो रेडी वेडी होकर के आए हुए थे और वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। फूजी उसका बड़ाई करता है कि वो काफ़ी प्रिटी लग रही है, लेकिन तभी वहाँ पर उसे ब्लड की वोमिटिंग वाली फील होती है और वो वॉशरूम चले जाता है। वो जैसे तैसे करके खुद को संभालता है, शायद ये उसका लास्ट होने वाला था। उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो रही थी। वो खुद को संभालते हुए जियान को शादी के स्टेज पर लेकर के जाता है। सोचो एक बंदे पर क्या गुजर रही होगी, वो जिस लड़की से इतना प्यार करता है उसे खुद अपने हाथों से किसी और से शादी करने के लिए दे रहा है। जियान के साथ बिताए हुए सारी बातों को वो यहाँ पर सबके सामने ऐसे बोलता है। वहाँ का ऐसा कल्चर है, अपने हैप्पीस्ट मोमेंट को लोग यहाँ पर शेयर करते हैं। जियान इन बातों को सुन करके इमोशनल होने लगती हैं। जियान और गो अपने शादी के रिचुअल को आगे बढ़ाते हैं। फूजी जियान का हाथ गो के हाथ में देता है। वो वही रिंग लेकर आया था जो कि यहाँ पर उसने जियान को प्रपोज करने के लिए बाय किया था। वो वहाँ से जाने लगता है। जियान सोच रही थी एक बार से मुड़ जाऊँ, लेकिन तभी अचानक से वो नीचे गिर जाता है। ऐसे खून की वोमिटिंग करते हुए वो यहाँ पर बेहोश हो जाता है। तभी हमें पता चलता है कि एक्चुअल में वो एक्टिंग कर रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पर वो लोग जियान की
नई मूवी को शूट कर रहे हैं। हालांकि ये सब कुछ उनके रियल लाइफ में भी चल रहा है, लेकिन सिर्फ इस शादी वाला सीन जो था ना वो नकली था। मतलब वो दोनों इतनी जल्दी शादी नहीं कर रहे हैं। जियान को लगा था कि शायद ये सब कुछ देखने के बाद अब तो फूजी उसे कन्फेस कर देगा, लेकिन तब भी उसने नहीं किया। जियान को ये काफ़ी अच्छी स्टोरी मिल जाती है। गू ने उसमें उसका हेल्प करने का डिसाइड किया था। फूजी इस कहानी की एंडिंग को चेंज करना चाह रहा था, लेकिन जियान कहती है कि नहीं, ये कहानी की यही एंडिंग सही है। उसने सोचा था कि अगर फूजी उसे कन्फेस करेगा तो ही वो उस कहानी की एंडिंग को चेंज करेगी, लेकिन फूजी ने ऐसा तो किया नहीं। इसके बाद हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जियान एक क्लब में थी और वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर रही होती है। वो फूजी के फ्रेंड से मिलती है। फूजी का फ्रेंड उसे कहता है, मुझे तुम दोनों के बारे में समझ नहीं आता, तुम दोनों एक दूसरे को इतने ज़्यादा वाला प्यार करते हो, फिर भी कन्फेस क्यों नहीं कर रहे हो। जियान कहती है, मैं नहीं कर रही क्योंकि मुझे लगा कि फूजी मुझे अपने दिल की बात बताएगा, बट वो शायद खुद को बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश समझ रहा है अगर वो मुझे कन्फेस करेगा तो। लेकिन बाकी बचे दिन तो हम चैन से साथ में गुजार सकते थे ना। फूजी जानता था उसके पास बाकी बचे दिन ही नहीं बचे हैं जो वो उसके साथ कन्फेस करके बिता सके। इसके बाद का हमें सीन दिखाया जाता है कि फूजी अब इस दुनिया में नहीं है। उसका फ्रेंड उससे मिलने के लिए जाता है और बताता है कि जियान का वो ड्रामा जो कि फूजी ने उसके साथ शूट किया था वो सुपर हिट हो चुका है इस सैड एंडिंग की वजह से। फूजी इस दुनिया में नहीं है और जियान ने किसी और से शादी नहीं करने का डिसाइड किया है। और यहाँ पर वो अब हमेशा ही फूजी की याद में अब वो रिंग पहन करके रहती है। वो ये सारी बातें फूजी के ग्रेव पर जाकर के कह रहा होता है। ये सीन इतना ज़्यादा मुझे इमोशनल लगा ना कि यार जो भी हो फूजी को इस तरीके से मारना नहीं चाहिए था। कहानी की सैड एंडिंग मुझे तो नहीं पसंद आती है। आपको कहानी में कैसे एंडिंग पसंद आती है, सैड एंडिंग या हैप्पी एंडिंग, आप लोग अपने थाट्स यहाँ पर कमेंट में मुझे बता सकते हो। फूजी का फ्रेंड इस तरीके से जियान का ड्रामा उसके ग्रेव पर ऐसे चिल्ला करके आ जाता है और हम लोग देखते हैं कि जियान सच में फूजी की याद में अब किसी से भी मिलना जुलना बंद करती है। वो सिंगल ही अपना लाइफ जीने का डिसाइड करती है और ये कहानी हमारी यहीं पर एंड होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं जल्दी से हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। कीप वॉचिंग।